आज तो सुबह से शाम हो गई समझ में नहीं आ रहा है एक भी ग्राहक नहीं आया है हुँ? Hmm? कि किसी ग्राहक का छोटा मोटा बच्चा ही आ जाता पैसे दे के तो छोड़ो उधार ही लेने आ जाता कम से कम मैं डायरी में लिख तो लेता कि बाद में मिल जाएंगे पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया अरे भाइयों आ जाओ कोई सुबह चार बजे से चाय बना के रखी है मैंने चाय में फपूंदी लगने लगी मेरे समोसे भुंडाने लगे तो कल से मैंने उनको बना के फ्रिज में रखा है अब सीख सा के रखा तेल भी बर्बाद सब सामान भी बर्बाद अरे मेरे भाइयों हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों की आइए आइए बोनी कराइए भाई चाय तो पी लीजिए आके बर्बाद हो जाएगा मेरे दूध दूध सब ए, ये क्या अभी चूल्हा की रात भी नहीं उठाई गई ये भी मेरे लिए पड़ी है ए भगवान कहां कहां ना कुछ समझ में नहीं आ रहा देख लो बहनों आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है जैसा हमारे घर में होता है सुबह मैंने खाना बनाया था चूल्हा में ठीक है जहाँ पे मैंने लकड़ी बुझा के रख दी थी वहीं पे पड़ी है बर्तन देखिए पूरे किचन में ऐसे छिछाए पड़े हैं जैसे यहाँ पे कोई गुस्सा रहा हो हैं? ऐसा होता है किसी के यहाँ मतलब मैं खाना बना दू तो कोई संभालने नहीं आ सकता पूरी रसोई की दर पड़ी है अभी माँ जी होती ना यहाँ पे तो सब को लाइट होके पड़ा रहता इस टाइम पे ना दीदी भी बहुत मक्कारी कर रही है काम पे मुझे ना बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा है सुबह खाना बनाया था ना चूल्हा साफ किया गया है न राख उठाई गई है शाम का खाना बनना है तो बताइए ऐसे में खाना बनेगा हुँ? आप लोग मेरी बुराई करती हैं आज आपको देख लीजिए लाइव सबूत दिखा रही हूँ देख लीजिए फिर मत बोलना पूरे रसोई घर में भड़फोर मचा के रख दिया है जैसे आ इंसान नहीं जानवर रहते हैं अरे जानवर तो समझदार हैं वो भी उनको भी खाना दे दो तो आराम से खाते हैं बिना बिखराए हुए यहाँ तो जानवरों से ज्यादा लोग हैं छोटी दीदी क्या कर रही हो भांगड़ा कर रही हूँ थोड़ी बन नहीं रहा है बता जरा सिखा दे मुझे परफेक्ट तरीके से आने लगे तू भी कर मेरे साथ में क्या हो गया ऐसे क्यों बात कर रही है तो और क्या करूं बता देख जरा रसोई की दशा हम्म जहाँ पे हमने लकड़ी रख दी थी वहीं पे पड़ी है देख भगवान हमने भाजी चौंकी थी चूल्हा के ऊपर रखा है वहीं पे रखा है किसी की हिम्मत नहीं है कि नीचे हटा के रख दे या राख उठा ले शाम को खाना बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसे किसी के घर में होता होगा जैसे अपने घर में पड़ा है बता जरा हम्म कि मेरे नाम लिख गया है सब कुछ कि अगर मैंने खाना बनाया है तो रसोई घर में ही साफ करूँ कोई और नहीं कर सकता तुम नहीं कर सकती अरे हमने तो देखा ही नहीं है आज तो हमने खाना भी नहीं खाया है तो हम रसोई में भी नहीं आए वरना हम कर देते क्यों काम करने में कौन सा बुराई है जब खाते हैं तो बुराई नहीं है तो काम करने में क्या बुराई है भाई साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो खाएंगे कैसे क्यों परेशान हो रही हैं पहले नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा तो फिर करो ना किसके लिए पड़ा है कर देंगे हम मसाला की पूड़ियाँ लेने जा रहे हैं दुकान तक शाम की सब्जी के लिए मसाला नहीं है तो दीदी बोल रही है कि वो मसाला ले आओ जाके उनके पास पैसे नहीं आपके पास हो तो दे दीजिए पाँच रुपये चाहिए एक एक रुपये वाली पूड़ियाँ लानी है तो बोल रही थी चार पाँच पूड़ियाँ ले आओ आपके पास हो तो दे दीजिए मैं मसाला लेके आती हूँ फिर साफ कर दूंगी आप परेशान मत होइए अच्छा तो तू तो एक काम करो ना प्रिया तो सफाई में लग जा ठीक है मसाला की पूड़ियाँ लानी है ना उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें जब पैसे मुझे देने हैं तो मैं जाके ले आऊंगी तू तो परेशान मत हो मैं जाके लेके आती हूँ मसाला की पुड़िया। तो इसकी सफाई करिए ये जो ये, तब लिया भी लिया पड़ी है, ये भोगना उगना पड़े राख आख उठा ले बढ़िया से साफ कर दे अभी शाम को खाना बनेगा समझ रही हो ना ठीक है दीदी चली जाए आप ही ले आइए हम कर दे रहे हैं जब तक हाँ हाँ ठीक है मैं आती हूँ लेके थोड़ा सा काम क्या करना पड़ जाता है दीदी की तो बिल्कुल एकदम से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है अरे काम ही तो है।, है पता नहीं इनको क्या हो जाता है काम करने में कितनी दिक्कत होती है आप ही लोग बताओ मेरी बहनों अपन लोग काम नहीं करेंगे तो कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा काम तो अपन ही लोग करते हैं ना कुछ आपने किया कुछ हमने किया कुछ दीदी लोगों ने किया हो गया तो फिर भाई औरत का तो काम ही है रसोई का काम करना हमने देखा नहीं है वरना हम तो कर ही लेते काम करने से ना बॉडी बढ़िया मस्त रहती है एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है हम काम करने में कभी पीछे नहीं हटते छोटी दीदी को हमारी बड़ी दिक्कत होती है थोड़ा सा काम बता दो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लेंगी और काम ना बताओ तो खुश रहेंगी मसाला की पुड़िया दे दो एक एक वाली मांगा तो क्या मांगा मसाला की पुड़िया वो तो ही नहीं है है अब क्या करूं लग रहा है। ये लौट जाएगा दे दीजिए डमरू भैया जल्दी से अरे भाभी जी क्या बताऊं सामान मंगाया था आ रहा होगा रास्ते में है तब तक बैठ जाइए चाय पी लीजिए समोसे खा लीजिए बहुत अच्छी टेस्टी चाय बनाता हूँ पांच फ्लेवर की चाय मिलती है मेरे यहाँ अरे नहीं भैया चाय पीने का टाइम नहीं है आप मुझे मसाले की पुड़िया दे दीजिए जल्दी जाना है घर अरे भाभी क्या बात कर रही हैं बैठिए है ना पी लीजिए अच्छा आया समोसा खा लीजिए बहुत टेस्टी समोसा बनाता हूँ सच बता रहा हूँ आप एक बार खाएंगी ना तो बार बार मंगा मंगा के घर में खाएंगी अरे बुढ़े तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तेरे प्यार से बोल रही हूँ तो तेरा दिमाग ही खराब होता जा रहा है भाभी बैठी है, मैं तुझे भाभी नजर आ रही हूँ तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या एक चश्मा और लगा ले, तब दिखाई देगा। तेरी बेटी की उम्र की भाभी, भाभी, तो मैं तो दे दे, मैंने चाय के लिए ही तो बोला समोसे के लिए बोला है हुँ? मैं बहुत टेस्टी बनाता हूँ इसलिए बोल दिया कि आपने अभी तक खाई नहीं है मेरे यहाँ के समोसे तो खाएंगी तो फिर मंगाएंगी इसलिए बोल दिया है मसाला की पुड़ियाँ रस्ते में होंगी आती ही होंगी क्यों तेरी मसाला की पानी भरने गई नहीं चाय पी लो सबसे खा लो बकवास कर रहा देर से। है, से है।, है? कर रहा, देर से। सुन रही तो इसका मतलब है कि तू बोलिए चला जाएगा क्या हुआ है भाभी जी आपको घर से लड़ाई वड़ाई करके आई है क्या है क्या हुआ है भैया से लड़ाई लड़ा लड़ाई हो गई है क्या तो इतना गुस्सा हो रही हैं हमारे ऊपर गुस्सा निकाल रही है क्या बात है बता दीजिए हमको लड़ना वड़ना नहीं आता है भाभी जी हमारी आदत है ऐसे बात करने की बुरा मत कल लाइए आपके पैर छू लें हैं आप हमसे बड़ी हैं है? भाभी माँ समान होती है हमने कुछ गलत तो बोला नहीं है हु? भाभी जी माफ कर दीजिए अगर कुछ गलती हो गई हो हमसे तो तुम नहीं मानोगे ना भाभी कहना नहीं छोड़ोगे देखो बार-बार भाभी मत बोलो हमें गुस्सा मत दिलाओ समझ लो वरना अभी हम उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा समझ रहे हो ना हम आपको भाभी नजर आ रहे हैं हमारी उम्र पता है हम कितने साल के हैं अपनी उम्र देखो 75 तो साल का बुड्ढा बैठा है हैं अब मुझे भाभी बोल रहा है तमीज नहीं है उमर से कुछ नहीं होता भाभी जी पद में तो आप बड़ी हैं तो बताइए मानता हूँ मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं अब आपके जो पति परमेश्वर हैं हमारे भ्राता श्री वो हमसे बड़े हैं इसलिए तो आप हमसे बड़ी हुई ना अच्छा मेरे पति परमेश्वर आपसे बड़े हैं है? जरा बताना कितने साल के हो हुँ? मसाला की पुड़िया देने से रहे अब अपनी उम्र ही बता दो जरा बहुत भाभी के लाला बने रहे हो। देवर बनने का बहुत शौक है ना अभी बनाती हुई बैठ पड़ा है ना ये उठा के चार लगाऊंगी ना पता चल जाएगा हड्डी टिल्ले में खड़े हान डेढ़ के घूम रहे हो एक ही एक ही बैठ में ना कमर टूट जाएगी फिर पड़े पड़े लेटे लेटे कढ़ से दिमाग खराब करके रखा है ना सामान है ना कुछ है पागलों की तरह बैठ के मैं भाभी जी बड़ा देवर जी बनने को घूम रहा है तिलचट्टे जैसी शकल लेके बैठा है बातें मार रहा है दुनिया भर की चट्टे डब्बा डबिया रख ली दो तो ठे कुर्सी डाल ली हाँ हाँ हा। बड़ा शोरूम खोल के बैठा है मुंडा टिकला चुप ही रहो तो यही सही है भाभी गुस्से में है बड़ा गुस्सा है भाई भाभी के अंदर कहीं सच में बैठी ना भेड़ दे जो मेरे सर के दो टुकड़े हो जाए सिलने वाला भी नहीं है कोई क्या मुंह के अंदर कुड़र कुड़र कर रहे हो है तो सामने बोलो। खोल के बोलो। के अंदर ना बोलो भी। कुछ नहीं भाभी जी ये बोल रहा था मेरे पास मसाला की पूडिया है नहीं है मैंने सोचा आप चाय पी लेंगी थोड़ा सा समोसे खा लेंगी मेरी सुबह से बोनी नहीं हुई है सुबह से शाम हो गई देख रहे हैं एक भी कोई सामान नहीं बिका है वो आप मसाला की पूड़ियां लेने आएंगे इसलिए मैंने बोल दिया कि चाय पी लीजिए थोड़ी बोनी हो जाती मेरी आप खामा खा गुस्सा हो गई अरे बूढ़े टकले तिल चट्टे पहले बता देता कि नहीं है मसाला की पूड़ियां तो मैं इतनी देर तुझसे अपनी मातापच्ची क्यों करती घर में क्या मेरी मातापच्ची कम होती है जो तू बैठा था मेरे लिए मैं वापस तुरंत नहीं चली जाती इतना ही काम थोड़ी ना है मेरा कि इधर मुंह लगाऊं उधर मुंह लड़ाऊं पूरे दिन मुंह लड़ाती रहती हूँ मेरा मुंह और दर्द होने लगता है गलती हो गई भाभी जी अब दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा माफ कर दीजिए हाँ हाँ ठीक है